ओके okay. अभी ये वॉइड होता है, इस अगर आप इसका सिंटैक्स देखोगे ना मेरे का, वो सिंटैक्स ऐसे होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर होता है, यहाँ पर रिटर्न टाइप होता है, यहाँ पर मेथड नेम होता है, अगर इंट ए होता है मतलब आपका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको, या फिर पैरामीटर बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट वन, अरे अरे आर्ग्यूमेंट टू, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट होता है, इसके अंदर आपको स्टेटमेंट लिखने होते हैं, आपके जो भी स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, आपके जो भी है वैसा, और आपको यहाँ पे रिटर्न करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी मैंने आपको काम लेना था, ठीक है। अभी मैं आपको जो लिखा मैंने वो ये हमें प्रिंट करना है वापस से, ओके अभी मैं आपको इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये जो रिटर्न टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए अब ये इसको मार्क करेंगे तो ये रिटर्न टाइप की तरह होता है, तो रिटर्न टाइप कौन से होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले हम इसके बारे में देखते हैं। रिटर्न टाइप है वॉइड होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, ऑब्जेक्ट, जो भी आपने हम लोगों ने जितने भी रिटर्न टाइप पढ़े ना सारे होते हैं, आप एरे भी कर सकते हो, जो आपको जो लगे वाला लगे, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ मतलब जितने भी हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़े थे, मतलब अच्छा कैरेक्टर है, डबल है, ठीक है, स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है, चले ये वाले होते हैं। अभी इसका हर एक का मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, हर एक का बताने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ दो के दो या तीन में काम बन जाएगा आपको, ठीक है। पहले मैं वर्ड के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे वर्ड लिखा है, वर्ड होता क्या, मैं इसे एग्जांपल ट्राई करता हूँ, जी ठीक है। मुझे वर्ड यानी मतलब क्या आता है, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, क्या लिखा है, डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिएगा आपके घर वालों ने आपको बोला है कि कचरे का गाड़ी आ रहा है और कचरा फेंकने को जाना है, नाउ व्हाट यू विल डू, कचरा फेंकते समय फेंकने के बाद और वापिस कुछ लेके आओगे क्या, बताइए मुझे, थैली है बेसिकली, वो कचरे की थैली है, थैली फेंक दोगे उसको वापिस लेके आओगे क्या, नहीं, मतलब इसका मतलब ये होता है जब भी कभी आपको उस मेथड से बस काम करवाना हो लेकिन उससे कुछ लेके नहीं आना, तो व्हाट वी कैन डू, वी विल वॉइड, हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉइड यूज करेंगे। तो जैसे कि इस केस में मुझे क्या करना था, एडिशन करना था और डिस्प्ले करना था उनका नाम, तो मैंने सब जगह पे वॉइड किया, राइट, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको निकाल देता हूँ टेम्पररी, इसको निकाल देता हूँ, अभी दिक्कत हो गया मेरा, मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा ना इस वैल्यू को, मुझे पता कैसे चलेगा इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूंगा इसको void की जगह पे, मुझे पता ये इंटीजर था, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट अ इंट, मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ, देखिए सर जी ने इमीडिएटली थ्रो किया, भाई तेरा रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, देखिए दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंट, मतलब ये बोल रहा है भाई तू रिटर्न कुछ तो कर, मैं क्या लेके जाऊँ अगर, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न। नाउ टेल मी रिटर्न क्या होना चाहिए, इसमें एडिशन होना चाहिए, एडिशन मैंने किस में स्टोर किया बताइए, मतलब जैसे कि इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, अगर आप कैलकुलेटर में कुछ भी नंबर एंटर करते हो और कुछ ऑपरेशन करवाते हो आपको रिटर्न में क्या मिलता है, वो रिजल्ट मिलता है कि नहीं, ये रिटर्न आपका रिजल्ट ही है, तो आपका ये रिजल्ट होगा, इसको मैं क्या करता हूँ अभी उसके लिए मैं आपके सामने इन सम इज इक्वल टू और यहाँ पर
राइट, समझ में। अब सेम लॉजिक से मैं यहाँ पर सब प्रिंसिपल पर रहा हूँ। क्या आपको इससे ही काम बनेगा, आपको इससे इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, इससे आपको पता चलेगा कंसेप्ट। देखिएगा अभी क्या हो रहा है, इसके अंदर चला गया, उसने वैल्यू ऑफ ए प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ बी प्रिंट किया, समेशन सी के वैल्यू क्या हुए, 5 हो गए। अभी रिटर्न में आ जाएगा, रिटर्न करेगा मतलब ये रिटर्न क्या करेगा, 5 करेगा। तो ये 5 वैल्यू किसमें स्टोर हो गई, व्हाट यू थिंक किसमें स्टोर हो गई, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर अभी क्या आ गया है, इसका पाया है ना। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, राइट आंसर की वैल्यू किसमें स्टोर होती है, लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर होते हैं, इसकी वैल्यू हो गई 5। तो ये किस में स्टोर होगा, सम में स्टोर है, सम में देखिए 5 आएगा, आया कि नहीं 5, ये प्रिंट हो गया। फिर इसके अंदर चला गया, अभी नेक्स्ट इसके उसने उसका काम किया, रिटर्न में क्या किया, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी, उसने 11 प्रिंट किया, इसकी वैल्यू 30 आएगी, इसने प्रिंट किया 30 आ गया। समझ में आया, इस वे से रिटर्न टाइप होता है। Yes, sir. अभी मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक और एक बनाता हूँ, मैं आपके लिए डिवीजन करता हूँ। नाउ टेल मी, डिवीजन हमेशा इंटीजर में आता है क्या, कभी बताइए मुझे, हमेशा आएगा क्या, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बराबर, मैं श्योर नहीं हूँ। तो इट इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फ्लोट लिखूंगा, बराबर है, मैं फ्लोट लिखूंगा और फ्लोट को रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, उसने रेड मार दिया है, क्यों रेड दिया, क्योंकि मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ उसका डेटा टाइप है फ्लोट है, बराबर है, लेकिन मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ एक्चुअल में ये क्या है, इंट है। तो बोलता है भाई गलत किया, ये सब मैपिंग होता है, सारा खेल मैपिंग का ही, ठीक है। तो वापिस से मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ, मतलब इसको भी निकाल देता हूँ, ये वाला भी काम है। मैं यहाँ पे इंट इंट नहीं फ्लोट, मुझे इसको भी जो कैच करेगा वो भी फ्लोट नहीं होना चाहिए, एच डब्ल्यू डॉट ड्यू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी 20 इसको 6 से करता हूँ, डिवाइड नहीं होता, एडिशन की जगह बस डिवीजन करना है मुझे, ठीक है। इसके अंदर है ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, इनका एडिशन किया और यहाँ पे आए वापस आए, सब में स्टोर हुआ, सब लोग एग्री पॉइंट पे। अभी इस केस में देखिए, ए की वैल्यू 20 हो जाएगी, बी की वैल्यू 6 हो जाएगी, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, 20 बी की वैल्यू क्या है 6 हो गई। अंदर चला गया, उसने ए की वैल्यू प्रिंट की, उसने बी की वैल्यू प्रिंट की, उसने डिविजन किया, देखिए यहाँ पे डिविजन 3 पॉइंट समथिंग है, रिटर्न की उसने प्रिंट की, किसी को भी डाउट है कि इसमें बताना है सर, मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि अगर हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए तो हम वर्ड यूज करें? एग्जैक्टली ओके, तो ये आपका प्रोग्राम डिसाइड करेगा या फिर आप डिसाइड करेंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, दोनों वैसे सेम है, क्योंकि देखो इस वे से भी मेरा प्रिंट हो रहा है, इस वे से भी मेरा प्रिंट हो रहा है, लेकिन कभी कभार कैसे होता है पता है, इसका कैलकुलेशन आगे के लिए चलता है, मतलब जैसे कि इस केस में जिस नॉर्मल लिखा, इट मे हैपन मुझे ऐसा ये वाला सम की वैल्यू इसको भेजना है, जैसे हम लोग चेनिंग करते हैं ना हर चीज का वैसे वाला। तो देखिए इस केस में क्या आएगा, देखिएगा अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो इसकी वैल्यू तो सम की वैल्यू तो मुझे 5 आ रहा है, तो ये 5 वैल्यू अभी यहाँ पे जाएगी, तो पहले एक की वैल्यू फिक्स थी ना, अभी ये एक की वैल्यू सम की वैल्यू इसके बेसिस पे जाएगी, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है सर। एक एक क्वेश्चन लास्ट है, ये एक मिनट मैं म्यूट करता हूँ, मुझे एक कॉल आया, 2 मिनट जरा। हाँ ठीक है, बोलिए।
हेलो। हाँ बोलिए, किसी को भी डाउट है क्वेश्चन? सर ये 20 डिवाइडेड बाय 3 किया है, यो सॉरी 6 किया है, तो 3.3 पॉइंट में वैल्यू इसको नहीं ऐसे आते क्या? इसको डबल में आना चाहिए। कैसे होता है पता है क्या? अगर आप इसके पूरा डिवीजन नहीं आता, अगर आप अगले करोगे, अगर मैं 20 डिवाइड बाय 6 करता हूँ ना, तो कितना आना चाहिए? देखिए, थ्री पॉइंट थ्री करके आना नहीं, चाहिए। 3.3.3.3333 आता है ना, वो हाँ हाँ कंटिन्यूस आता है, वो बहुत बड़ा होता है, तो हाँ इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ा नंबर चेंज कीजिए, काम बन जाएगा। इसको डबल करते हैं, इसके डबल करेंगे आपका काम बन जाएगा। ऐसा भी होता है, डबल यानी उसका लेंथ थोड़ा बड़े होता है। यस ठीक है, ओके ओके सर। ओके। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बताए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये समझ में आए ना, उसका पूरा इसका कंसेप्ट समझ में आने वाला है। सर ये कर लेंगे क्या, पब्लिक प्राइवेट और कौन सा हाँ होता सर है? जी, ये कल बताऊंगा, वन बाय वन बताएंगे ना। मतलब ओके अभी सर मैंने मेथड क्या होता है, मेथड कॉल कैसे होता है, उसका रिटर्न टाइप के बारे में पढ़ा, राइट? वैसे वन बाय वन। राइट सर। सर हम वर्ड ही ज्यादा यूज करते हैं ना, मतलब नहीं सर ऐसा नहीं होता, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, राइट? पूरा का थोड़ा क्या रिक्वायरमेंट है सर, अगर आपके रिक्वायरमेंट अलग है तो अलग हो जाए, वाइड डिपेंड है। ओके सर डिपेंड्स ठीक अपना है, प्रोग्राम क्या है। हाँ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया, मुझे इसकी जरूरत, मुझे आगे बढ़ने वाली, राइट? इस सम की जरूरत आगे बढ़ने वाले, तो मैं यूज करूंगा तो वैसे नहीं करूंगा ना, तो मेरा रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। यस सर यस। और ऑटोमेशन में मोस्टली रिटर्न टाइप यूज करते हैं, मोस्टली मतलब ऐसे बोल सकता हूँ 80%। ठीक है, इजी होता है, कुछ अलग नहीं होता दोनों चीजें। ठीक, यस अभी एंड हो जाएगा शायद से, देखते हैं। और कुछ है क्या अभी मुझे बताना है? ओके, लिप्सी लिप्सी लिप्सी, डर लग रहा है कि अब खत्म हो जाएगा, मीटिंग एंड हो ही तो पहले मिल जाएगा। सर हाँ बोलिए ना। और ड्राइव की लिंक एक बार फिर से शेयर करो ना।